नमस्कार, मैं ललित। ईरान की धमकी ने पूरी दुनिया को तनाव में डाल दिया है। इसके अलावा तेल अवीव यानी इसराइल के लिए जो धड़ाधड़ फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, उनका क्या असर होगा? इन सब के अलावा क्या अमेरिका डील डन करवा पाएगा? आज इसी के इर्द गिर्द बातचीत होगी। ईरान की धमकी या कहें चेतावनी ने मानो पूरी दुनिया का जो पारा है वो हाई कर रखा है। ईरान की चेतावनी के बाद मिडिल ईस्ट छोड़िए, पूरी दुनिया तरह तरह की अनहोनी की आशंका से डरी हुई है। अब हमला हुआ कि तब हमला हुआ, ईरान के ऐलान के बाद से ही अमेरिका खुद को इसराइल का जिगरी बताने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। इन सबके बीच अमेरिका एक सीज फायर डील को डन करवाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। पहले उड़ानों की बात कर लें, ताज़ा अपडेट की बात करें तो सबसे पहले जो एयर इंडिया समेत हैं कई देशों की जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपनी या तो उड़ानें रद्द कर दी हैं और या जो पहले से रद्द उड़ानें चल रही थीं उनकी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। एयर इंडिया ने ऐलान किया अगस्त के आखिर तक उड़ान रद्द रहेगी। हालांकि अप्रैल की शुरुआत में ही एयर इंडिया ने इसराइल ईरान टेंशन के चलते अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो करीब 30 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दी थी। अभी भी वही सिलसिला जारी है। कंपनी का ये कहना है कि हमारी जो ये हालात हैं उन पर नज़र बनी हुई है। यात्रियों का किराया रिफंड करने का भी फैसला पहले ही कर लिया गया था। रिफंड, आगे का कोई रिजर्वेशन या कैंसलेशन, इसकी कोई फीस एयर इंडिया नहीं लेगी। अप्रैल के बाद एयर इंडिया ने 9 अगस्त को भी तारीख बढ़ाने का ऐलान किया था। नुकसान का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि अप्रैल मध्य से करीब 100 उड़ानें रद्द हुई हैं। तकरीबन अगर इनकी संख्या देखी जाए तो 1500 के करीब रद्द उड़ानों की पहुंचती हैं। ईरान ने अपने 3 शहर हैं तेहरान, इस्फान, यहाँ पर एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। इस युद्ध के साथ साथ ईरान की धमकी के बाद भारत आने वाली दर्जनों उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा, क्योंकि ईरान और इसराइल का हवाई मार्ग अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस मार्ग से दुबई जाने वाली तकरीबन 1500 उड़ानों के भी रद्द होने की जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा फ्लाई दुबई है, टर्किश एयर है, एमिरेट्स है, ऐसी कई एयरलाइंस पहले ही बयान जारी कर कह चुकी हैं कि हालात सामान्य होने के बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा। एयर इंडिया ने तो 9 अगस्त को बाकायदा एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा था कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तेल अवीव से आने जाने वाली हमारी उड़ानों का निर्धारित संचालन तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। कंपनी ने यह भी कहा था कि एयर इंडिया लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। तेल अवीव से आने जाने के लिए कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को पूरा पैसा वापस करने की पेशकश भी की जा रही है। कंपनी ने कहा कि हमारे मेहमानों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। एक और ख़ास जानकारी आपके लिए, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी फ्लाइट्स तेल अवीव के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ऑपरेशनल थी जो धड़ाधड़ रद्द की जा रही हैं। बेन गुरियन इसराइल का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला हवाई अड्डा है। इसराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के सम्मान में इसका नाम रखा गया था। पहले इसका नाम लाद था। 2023 में बेन गुरियन से आने जाने वालों की तादाद 21 मिलियन से ज्यादा थी। यह सब बताने की वजह यह है कि आप समझ सकें कि इसराइल को आर्थिक तौर पर कितना झटका लग रहा है, बावजूद इसके वो अपनी इज्जत पर अड़ा हुआ है। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि एयर इंडिया के अलावा दूसरे देशों की एयरलाइन भी अपनी उड़ानें रद्द कर चुकी हैं। इसमें डेल्टा है, यूनाइटेड एयरलाइंस है, लुफ्थांसा है, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस है, ब्रसेल्स एयरलाइंस और एयर कनाडा भी इसमें शामिल है। पिछले महीने तो ये तक हुआ कि लुफ्थांसा की म्यूनिक से तेल अवीव जाने वाली उड़ान साइप्रस के लारनाका में उतरी और वहां पर टीम ने, क्रू ने कहा कि हम तो आगे नहीं जाएंगे, तो वापस जो फ्लाइट है वो जर्मनी लौट गई। उधर कुछ फ्लाइट दुबई से जो निर्धारित उड़ानें होती हैं वो रद्द कर दी गई। कुछ दिन पहले तक कथित तौर पर लगभग 70,000 यात्री तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पहुंचे थे, वो इसराइल से निकलना चाह रहे थे। तो ये तो हुई इसराइल को लगे झटके दर झटके की बात। अगला एंगल इस बातचीत का क्या है तो वो जान लीजिए। स्वघोषित चौधरी अमेरिका सीज फायर की कोशिश कर रहा है, यानी फायर लगाकर फायर फाइटर बनना, फिर फायर बुझाने की कोशिश करना, कमाल है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, वो गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की कोशिशों को आगे बढ़ाने के मकसद से इसराइल के दौरे पर हैं। ये पहली बार नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद ब्लिंकन इस इलाके में 9वीं बार पहुंचे और अंदर खाने की खबर यह है कि 9वीं बार भी नाकामी हाथ लगी है। ब्लिंकन की यात्रा से कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने इसराइल और हमास के बीच शांति स्थापित करने के लिए नया संशोधित प्रस्ताव पेश किया। पिछले हफ्ते दोहा में शांति की कोशिशों के लिए की गई बातचीत के दौरान अमेरिका ने ऐसी आशा जताई कि युद्ध विराम के समझौते पर बात बन सकती है। हो कुछ नहीं रहा है।
हालांकि हमास ने युद्ध विराम के समझौते की कोशिशों को छलावा बताया था। हमास इजरायली सेना के पूरी तरह से गजा पट्टी को छोड़ने की मांग कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन इस दौरे पर इजरायली सरकार पर समझौते के लिए दबाव बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, और सब जानते हैं कि इजरायल और समझौता मानो सांप और नेवला। हालांकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर शांति समझौते में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं। रविवार को अपने एक बयान में हमास ने इजरायली प्रधानमंत्री पर युद्ध को लंबा खींचने के मकसद से समझौते के लिए नई नई शर्तें थोपे जाने का आरोप लगाया था। हमास ये मानता है कि शांति समझौता ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण इजरायल ही है। हमास के सूत्र ने सऊदी अरब की मीडिया के साथ बातचीत में ये तक कहा कि शांति समझौते की शर्तों में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर, बहुत खूबसूरत ये शहर है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजरायली सेना की कटौती करना शामिल है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर गजा के पास मिस्र की सीमा को छूती हुई एक सकरी पट्टी है। खैर, नौवीं बार पहुंचे ब्लिंकन की कोशिश यह है कि ईरान और इजरायल के बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम करना, ताकि दुनिया को थोड़ी राहत मिल सके। इससे पहले 15 और 16 अगस्त को इसराइल, अमेरिका, कतर और मिस्र के प्रतिनिधियों के बीच सीज फायर को लेकर दोहा में एक बातचीत हुई थी। इस बातचीत में हमास ने हिस्सा नहीं लिया था। बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि हम सीज फायर डील के बेहद नज़दीक हैं। हालांकि हमास ने सीज फायर डील में नई शर्तों को शामिल करने का विरोध जताया है। सीज फायर डील के दूसरे चरण की बातचीत इस हफ्ते मिस्र में हो सकती है। इस बातचीत के लिए इजरायली प्रतिनिधिमंडल रविवार को बाकायदा मिस्र के लिए रवाना भी हो गया। शाम को सीज फायर को लेकर चल रही तमाम कोशिशों के बीच गजा में इसराइल की तरफ से की जाने वाली तबाही में कहीं कोई कमी नहीं आई है। रविवार यानी 18 अगस्त को गजा में 25 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसमें एक महिला और उसके 6 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल का तो पता नहीं, लेकिन आपका जो कलेजा है वो कांप जाएगा ये जानकर कि महिला के सबसे छोटे बच्चे की उम्र थी 10 महीने, सिर्फ 10 महीने का वो था। इसराइल दूसरी तरफ लेबनान में भी हमले कर रहा है। रविवार को दक्षिणी लेबनान में इसराइल की तरफ से जो हमला किया गया, स्ट्राइक की गई, 10 लोगों की जान चली गई। इस हमले में 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले में मारे गए सभी लोग सीरियाई नागरिक थे। इसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए रॉकेट हमले में 2 इसराइली सैनिक घायल हुए हैं। 31 जुलाई को हमास चीफ हानिया की ईरान में मौत के बाद से इसराइल और ईरान में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। हानिया ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए तेहरान गया हुआ था। ईरान ने हानिया की मौत के पीछे इसराइल का हाथ बताया। इसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने इसराइल से इस मौत का बदला लेने की बात कही थी। बस तभी से दुनिया में टेंशन है। सीज फायर की बड़ी बड़ी डींगें हाँकने वाले अमेरिका ने खामनेई की धमकी के ठीक बाद इसराइल की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में युद्धपोत, एयरक्राफ्ट करियर, पनडुब्बियां जो उसके पास हैं आधुनिक, वो तैनात कर दी। मरती हुई इंसानियत और उबलते हुए अहंकार के बीच ये आंकड़ा सुन लीजिए। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में मरने वाले फलस्तीनियों का आंकड़ा 40,000 के पार हो गया है। 90,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अगस्त को ये रिपोर्ट दी है। ये सिर्फ दर्ज आंकड़ा है जो कागजों तक पहुंच गया है, जो कागजों तक पहुंचा है, यानी रिकॉर्ड बना है। हजारों तो मलबे में दबे दबे लाश बने पड़े हैं। इसराइल और हमास की इस जंग को तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन खून की प्यास अभी भी बकायदा दोनों तरफ बनी हुई है। सीज फायर की डींग मारने वाले जमकर फायर बरसाने वाले हथियार और बयान दे रहे हैं। दोनों तरफ से जारी हिंसा यह एहसास कराती है मानो आदिम युग के 2 बर्बर कबीले एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज बस इतना ही। आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि और क्या कुछ आप देखना चाहते हैं। नमस्कार।